भारतीय सड़कों पर कानून कायदों का कितना ज्यादा फॉलो किया जाता है, इसका खुलासा फाइनली हो चुका है। जी हाँ, दरअसल अब यहाँ पर अथॉरिटीज ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। यहाँ पर ये जो इश्यू किया गया है, इसमें पाया गया कि 1.98 करोड़ ट्रैफिक चालान्स काटे गए थे, जिनकी कुल लागत अगर आप लगा लो लगभग 1900 करोड़ रुपीज बैठती है, वो भी एक साल के भीतर। और ये खुद यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने लोकसभा में रिटर्न में कहा है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जो रोड रेज और रैश ड्राइविंग के इंसिडेंट अक्सर अब भारत में काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, मात्र एक साल में 2021 में ये इस तरह के केसेस 2,15,328 पाए गए थे। इसमें से दिल्ली में सबसे ज्यादा चालान काटे गए हैं, ऑलमोस्ट 71,89,800। फिर वहीं तमिलनाडु, केरला, ये सभी स्टेट्स फॉलो होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि वो बीते वर्ष की बात थी, लेकिन इस वर्ष 2022 की बात कर ले तो 1 जनवरी से लेकर 15 मार्च मात्र इस ड्यूरेशन के भीतर ही 40 लाख चालान काटे गए हैं देश भर में, जिसकी कुल लागत बैठती है अप्रोक्सीमेटली 417 करोड़ रुपीस। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये इश्यू है भारत के भीतर। रोड क्वालिटी को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो कानून कायदा अगर फॉलो नहीं करते रहे और यूं ही इनके भी चालान कटते गए तो फिर ये रुकने का नाम नहीं ले सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि 2019 में एक बिल भी पास किया गया था, मोटर व्हीकल एक्ट 2019। फिर जब ये निकाला गया था, काफी लोगों ने यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया था, बट मिनिस्ट्री का यहाँ पर कहना था कि अगर वो लोग कानून कायदा का फॉलो करते हैं तो इन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उनका कोई चालान नहीं कट सकता, लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शंस उन पर लिए जाएंगे जो बहुत ही गंदा ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग करते हैं, कोई कानून कायदा का फॉलो नहीं करते हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं उनको। इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि भारत में लाइसेंस मिलना बहुत ही ज्यादा सिंपल है पूरी दुनिया में। यहाँ पर मात्र कुछ दलालों को पकड़ के काफी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया जा सकता है। वही दूसरे देशों में अगर आप देखो, बहुत ही डिफिकल्टी होता है टेस्ट पास करना, फिर पैरेलल पार्किंग बहुत ही प्रिसाइसली वो लोग मापते हैं, तब जाकर उन्हें लाइसेंस मिलता है, और वो भी अगर कुछ अनफॉलो कर दे तो उन पर भी काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन इतने सारे लॉ लाने के बावजूद भी भारत में ये प्रॉब्लम हल होने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या सुझाव है, जरूर से कमेंट में बताइएगा।